में बहनें सम्मान के लिए तरसती, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए खून के आंसू रोती। अगर किसी बहन के घर बेटी जन्म ले ले तो जीवन भर बाप के ताने सुनने पड़ते थे। उस बेटी का लालन पोषण भरण पोषण शिक्षा दीक्षा, उसके शादी ब्याह के लिए वो कर्जे में दब थी और बहनों का पूरा जीवन कष्ट और दुख में बीत जाता था। लेकिन आज मुझे गर्व है अपने लाडले शिवराज भैया पर, आज आपको गर्व है अपने लाडले शिवराज भैया पर, जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलाई बल्कि परिवार चलाने काम किया है। और उन्होंने मध्य प्रदेश में 1,71,00,000 बहनों को लाडली बहना बना दिया, बहनों का परिवार में समाज में सम्मान बढ़ा दिया, बहनों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी लगी। हमारी बेटियां जो हमारे परिवार की कभी अनचाही संता करती थी, आज वह बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर लाल लक्ष्मी बन गई, क्योंकि उनके लाडले मामा शिवराज मामा ने उनके लिए लक्ष्मी बनाकर लखपति बेटी बनाने का काम किया है। और आज गर्व है यह भी तो हुए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से बेटियों के गरीब माता पिता की सारी चिंता हरने का काम अगर किसी ने तो हमारे लाडले शिवराज भैया ने किया है। ये लाडले शिवराज भैया का दिल से बहनों से नाता है, वो राजनीति नहीं करते, वो दिल से काम करते हैं, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। और बहनों के लिए बेटियों के लिए इस मध्य प्रदेश में जो किया है वो मध्य प्रदेश की बहन बेटी कभी भूल नहीं सकती। लेकिन आज मेरी बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि आज जो प्रदेश में परिवर्तन आया है, आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, परिवर्तन इसलिए आया है कि आपने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। वो परिवर्तन इसलिए आया है कि आपने अपने लाडले भैया को प्रदेश का मुखिया बनाया था और लाडले भैया ने भी बहनों के बेटियों के मध्य प्रदेश के विकास के भांजे बहनों के विकास में कल्याण में कोई कमी नहीं रखी। और इसलिए मैं सारियों से कहना चाहती हूँ 17 नवंबर को मध्य प्रदेश का चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा के इस चुनाव में एक बार फिर आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भूल से भी कांग्रेस के झांसे में मत आना, कांग्रेस के धोखे में मत आना। ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये धोखा देने वाली पार्टी है, ये लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है। भूल मत जाना 2018 धोखे से जोड़ तोड़ के कमलनाथ की निकम्मी सरकार मध्य प्रदेश में बनी और हमारे लाडले भैया ने हमारे मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए मजदूरों के लिए बहनों के लिए जो योजनाएं चलाकर रखी थी कांग्रेस की कमलनाथ की निकम्मी सरकार ने वो सारी योजनाओं को बंद करने का महापाप किया था। ऐसी कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। और मेरी बहनों भाइयों आप सबसे आज मेरा यही आह्वान है, यही निवेदन है कि समय आ गया है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का। मैं सारी बहनों से पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगी, बनाओगी कि नहीं बनाओगी, जोर बोल के बताओ। मध्य प्रदेश में कमल खिलाओगी, अपने लाडले भैया को मुख्यमंत्री बनाओगी, गोविंदपुरा में कमल खिलाओगी, अपनी बहन को विधायक बनाओगी, कांग्रेस को सबक सिखाओगी, 17 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाओगी, तो उठाइए दोनों हाथ बांधिए मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और बिना किसी औपचारिकता के बहनों और भैया के बीच में व्यवधान ना बनते हुए मैं सीधे अपने लाडले भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमारी बहनें बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही है अपने लाडले भैया का। उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। इनकी हृदय से दुआएं निकल रही है कि हमारा भैया हमेशा आबाद रहे, इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व हमेशा करता रहे, हमारे दिलों में उनका व्यक्तित्व समाया हुआ है, हम कभी अपने भैया को जाने नहीं देंगे, हमेशा। बोलिए भारत माता की। अपनी नहीं तूफान है,
आप तो भैया हूं रे मेरी लाडली बहना, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक, कर्मठ और यशस्वी नेता, दिन और रात आपकी सेवा में लगी रहने वाली ऐसी बहन जिस पर हम गर्व करते हैं, बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, भाई भीकम सिंह जी, राम राठौर जी, पार्षद नीलेश जी, सुबोध साहू जी, विकास जी, बहन शकुन जी, तुलसा भी बैठी, उर्मिला जी, शिरोमणि शर्मा जी, विनोद जी, छाया ठाकुर जी, हरिओम जी, ममता विश्वकर्मा जी, प्रदीप जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी लाडली बहनों, भाई अपनी सब बहनों को प्रणाम करता है, अपनी सब बहनों को नमस्कार करता है। मेरे भांजे और भांजियों, देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने सरकार नहीं, मैंने परिवार चलाया, परिवार ये अपना परिवार। अरे मेरी बहने हैं, मेरी बहनों, मैंने कोई बहनों में भेद नहीं किया, जाति का भेद नहीं, बहने तो बहने हैं, बहनों में क्या भेद करना। मेरी हर आबाद हो, उनके बच्चे सुखी रहे, उनके आंखों में आंसू, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और उनके सारे दुख और दर्द भाई पी, ये भावना करके सरकार चलाई। अच्छा ये बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ जो, और भांजे भांजे तो मैं क्या लगता हूँ, ये अपना मंत्री नहीं आपके लिए। और जो जो दर्द मैंने आपका देखा, जो तकलीफ है मैंने देखी, देखो आज भी के साथ पूरा न्याय नहीं हो। मैंने बचपन से गांव में अपने बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, लड्डू बांटो, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाए, आफत का सिया। और जब मेरी बहनों में देखता था बच्चा तो दिल में दर्द होता था कि भगवान ये अन्याय कैसा। अरे एक ही भगवान ने एक ही माँ के कोख से बेटा भी पैदा किया, बेटी भी पैदा की। तो बताओ बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भेद मेरे मन में चुभता था, दिल में चुभता था। तब मैं कुछ नहीं था, एमएलए नहीं था, सांसद नहीं था, मुख्यमंत्री का सवाल ही नहीं था। और तब दिल में एक भूख उठती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाए। मेरी बहनों, गांव में पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो पति डंडा उठाए और अपनी पत्नी को मारे, ये हालत। मैं कहता था ये क्यों होता है, बहन के साथ आखिर ये अन्याय क्यों, बहन के साथ आखिर ये भेदभाव क्यों। और तब दिल में दर्द की एक भूख उठती थी कि हे भगवान, ये दिन कब बदलेगा कि स्त्री और पुरुष बराबर माने जाए, पति पत्नी के अधिकार बराबर हो और बहनों को भी रोना ना पड़े, आंसू ना बहाना पड़े, वो भी सुखी जिंदगी की। और इसलिए भी कृष्णा जी बता रही, मैंने पहले जब मुख्यमंत्री बना तो लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। दिल में मेरे इच्छा तमन्ना ये थी कि बेटी को बोझ ना माने, बेटी वरदान बन जाए। अच्छा मेरे मन में लगा कि जब तक बेटी को बोझ मानेंगे तो बेटी को पैदा ही नहीं होने देंगे। अरे मेरे भाइयों बहनों, कई बेटियां तो कोख में मार डाली लोगों ने, कोख में मार डाली। अगर पता चल गया कि बेटी पैदा होने वाली तो मार दो, कोख में ही मार दो, कोख को कत्ल खाना बना दिया लोगों ने। और उसके कारण बेटा और बेटी में जन्म में अंतर हो गया, 1000 बेटे तो 912 बेटी। अच्छा भाइयों तुम भी बताओ, बेटी नहीं होगी तो दुनिया चल जाएगी क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, ये दुनिया ही नहीं चल सकती। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और उसमें मैंने तय किया कि बेटी पैदा होगी तो पैदा होते ही 30,000 रुपया उसके नाम से जमा कर देंगे, और 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 और कॉलेज में जाए तो 12,500,
और कॉलेज पास करे तो फिर 12,500 और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाए तो फीस मम्मी पापा नहीं भरेंगे, कौन भरवाएगा? अपन ने बदलने की कोशिश, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आगे और सभा है, फिर कई योजना बनाई, जैसे मेरे पार्षद बहन कोई बैठी क्या पार्षद, ये तीन तीन पार्षद बैठी, देखो ये मेरी पार्षद बहने बैठी है। बताओ भाइयों, अगर मैं ये प्रावधान नहीं करता कि आधी सीटों पर बहने लड़ेंगी तो लड़ने देते मेरी बहनों को, हम लड़ेंगे? घर बैठ रोटी बना, मैंने 50% रिजर्वेशन देके बहनों का मान बढ़ाया, तभी मेयर भी हमारे कृष्णा जी बने, आज भी मालती राय मेयर, बराबरी का अधिकार। पुलिस में 30 ये बेटियां खड़ी हैं, 30% भर्ती मैंने कहा कि बेटियों की करूंगा पुलिस में, ताकि थाने में महिला जाए तो बेटी पूछताछ करे और उनके दुख और दर्द सुने। ऐसे एक नहीं, यही काम में गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बेटियों को पुलिस में भर्ती करके मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? बेटियां भी पुलिस में होनी चाहिए, एक नहीं कई चीजें। मध्य प्रदेश की धरती पर अपन ने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। ऐसे जल्लाद को छोड़ेंगे नहीं, कई तरह की चीजें की, लेकिन लाडली बहना क्यों? क्योंकि मेरे दिल में हमेशा दर्द होता था, मेरी बहनों को 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था, मांगना पड़ता था, और 1,000-1,000 रुपया कई बार नहीं मिलते थे, मजबूर हो जाती। बेटा बेटी को कपड़े दिलाना हो और गोद में आके बैठ जाए, कपड़े दिला दे माँ, माँ के पास पैसा नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आते थे, काश मेरे पास पैसा होते तो कपड़े दिला देती, खिलौने दिला देती, मिठाई खिला देती, किताब दिला देती, जरा जरा सी चीज के लिए बहने पड़े। खुद के दिल में कोई बात हो कि आज मुझे 1,000-2,000 रुपया खर्चा करने, मजबूर हो जाती, पैसा पास पर नहीं होता। बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो मेरी बहनों सही बात है कि नहीं? और तब मेरे मन में ये विचार आया मेरी बहनों कि शिवराज तू तो भाई है रे, मुख्यमंत्री नहीं भाई, क्या भाई को कुछ नहीं करना चाहिए? और भाई भी मुख्यमंत्री है। तब मैंने सोचा कि करें क्या, आप कई चीजें तो कर दी, लेकिन अब सीधे बहनों के लिए करना है। और तब एक विचार मन में आया कि बहनें साल में एक बार भाई को राखी बांधती है, तब भाई पैसा देता है, कपड़े देता है, कोई कोई सामान देता है। तो मेरे मन में आया कि तू भी तो भाई है, दे बहनों को कुछ। लेकिन एक बात और मन में आई कि साल में एक बार देने पे काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने पे काम चलता क्या? और इसलिए बहनों का दर्द पीने का मैंने फैसला किया और ये तय किया कि हर महीने बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालना शुरू करूंगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों बताओ कैसी है योजना? मेरी बहनों अब केवल 1,000 नहीं, मैंने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि 1,000 में काम थोड़ी चलेगा, लेकिन पैसा बहुत लगते हैं। मेरी कितनी बहनें हैं बताएं? 1,32,00,000 बहनें हैं, आपके क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा बहनें हैं मेरी, 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं, मुझे गर्व है कि मैं इतनी बहनों का भाई, इतनी बहनों का। लेकिन जब 1,32,00,000 को पैसा दे पड़ते हैं तो साल भर में कितने जाते हैं? 15,000 कर। भाई अभी मत करो डिस्टर्ब, पुलिस वाले मत करो, निकल जाएंगे आराम से। अरे दिल से मेरी बहनों से बात कर लेने दो यार, देर हो जाए तो हो जाए। देखो मैं ऐसा भाई हूं कि मेरी हर बहन मुझे गले लगाती है, मेरे सर पे हाथ रखती है, अपने सिर पे हाथ रखवाती है। ये भाई और बहन का अद्भुत रिश्ता भगवान ने बनाया है, मेरा जीवन धन्य हो गया। 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, लेकिन यार रुकेंगे नहीं। सुनो बहनों, पूरी दुनिया सुन ले भैया, भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? अरे नाराज तो नहीं हो? अब मैंने बढ़ा के 1,000 से कर दिया 1,250 रुपया। इस बार पता लग गया था कि 10 के पहले आचार संहिता लग रही थी, मैंने 4 को ही डाल दिया, और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि आचार संहिता लगती ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं, तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना।
और 1250 के बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया, और फिर जैसे ही पैसे का और इंतजाम होगा 1500 से 1750 रुपया, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया, और जैसे ही इंतजाम होगा तो 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, डंके की चोट 3000 रुपया महीना अपनी बहनों को, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद उनकी जिंदगी में सुख और आराम आएगा, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएगी, बच्चों की जरूरत पूरी करेगी, उनको हाथ नहीं चलाना पड़ेगा। मेरी बहनों, रुपया नहीं दिया, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है मैंने, बहन का सम्मान दिया है, ये मान है बहन, ये सम्मान है बहनों का। अच्छा, ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, लाडली बहना के बाद तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन बदलाव आया कि नहीं आया? खुशियां आई कि नहीं आई? मुझे एक बहन ने कहा कि भैया आजकल थोड़े घर में ठाट हो गए। मैंने कहा क्या? बोले सास भी बड़े प्रेम से बोलती, बहू घी तो बढ़ लो रोटी में। एक बहन कह रही थी आजकल तुम्हारे मिस्टर भी बड़ी इज्जत से बोलते हैं। गुड्डू की मम्मी कैसी हो, भैया के पैसे आगे कि नहीं आए? पैसे से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पैसे से सम्मान भी बढ़ता है, इज्जत भी बढ़ती है। बोलो सही बात है कि नहीं? ये सही बात है। आपकी इज्जत बढ़ाने का काम किया है, आपके दुख पीने का काम किया, और ये योजना बना के मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरी बहनों, मेरा जीवन धन्य हो गया, और एक नहीं कई काम। 450 रुपया में गैस का सिलेंडर रहा हूं, और जिन बहनों के नाम रह गए लाडली बहना में, सुन लो, चुनाव के बाद पोर्टल खोल के जो जो नाम रह गए सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 450 में देंगे, ताकि धुएं में आंखें ना फोड़नी पड़े। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उनने रसोई गैस उज्ज्वला योजना बनाई, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये 450 में गैस का करें, और 3-4 चीजें और कहूंगा। क्या नंबर 2, सब सुनना, केवल गोविंदपुरा में नहीं बाकी जगह भी भाई और बहनों सुनना। रहने के लिए बताओ थोड़ी सी जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए, सब बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए। जब ऊपर वाले ने इस धरती पर भेजा है तो इतना टुकड़ा छोड़ा होगा कि जिसमें रह के अपना घर बना के रह सके, और इसलिए अगला हमारा लक्ष्य गांव में मैंने शुरू कर दिया। शहर में जमीन की कमी है, इंतजाम कर रहे हैं क्या हर परिवार को रहने की जमीन का टुकड़ा देंगे, चाहे छोटा हो लेकिन उसका अपना, मच्छर मक्खी की तरह पड़े रहे सड़क के किनारे, ये नहीं होने दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, ये हक है, आपका हक है, और वो हक में देके रहूंगा। और उसके बाद मकान बनवाने की व्यवस्था गांव में, जिनके नाम रह गए प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना के मकान देने का काम किया जाएगा। बीमारों के इलाज की योजना, अभी बच्चा मिला था दिव्यांग, क्या नाम क्या था उसका, एक हाथ उसका हाई टेंशन लाइट उसमें लाइन में जल गया था, हाथ लगेगा उसका कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इलाज दिव्यांग नाम है, इलाज भी होगा। और बेटा बेटियों की अंतिम बात सुन लेना, फिर मुझे अगली सभा में जाना है, कि पढ़ाई की चिंता मत करना। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने फ्री में किताबें देना बच्चों को शुरू की। बताओ कांग्रेस ने कभी दी थी क्या? अरे दी थी क्या? लाडली बहना कभी बनाई थी क्या? खाते में पैसा कभी डाला था क्या? अब रो रहे हैं कि मामा ने तो गड़बड़ कर दी, पैसा दे रहा है तो झूठी मूठी घोषणा करते रहते हैं। मैंने किताबें दी, मैंने तय किया कि बच्चे अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर। वो लैपटॉप कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। हमने तय किया कि हमारे बेटा बेटी हायर सेकेंडरी स्कूल में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा स्कूटी दिलाएगा, स्कूटी, ताकि स्कूटी पर बैठ के कॉलेज जाए। स्कॉलरशिप भी दी। कांग्रेस अब कह रही है हम ऐसी पढ़ाई कर देंगे, वैसी पढ़ाई, झूठ बोल रहे हैं। कागज लिख लिख के देने, पहले कहते 1000 रुपया महीना देंगे, 1 साल देंगे, फिर 1000 रुपया महीना, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। और सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, गरीब हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, उच्च शिक्षा मेरे बच्चों की
मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो फीस भी मामा ही भरवाएगा। चिंता मत करना, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, कंपनी में काम सीखने जाएंगे तो हर महीने 8,000 से लेकर 10,000 रुपया दिया जाएगा। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करना। अजय ईमानदारी से बताना आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं, जोर से बताएं भैया विश्वास है। तो मेरी आप सबसे अपील है, उनके कांग्रेस के झूठे धोखे में मत आना। एक बात बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो भैया का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो आओ इस विधानसभा क्षेत्र से। देखो भैया कब बनता है, जब विधायक बनते हैं। बहन कृष्णा ने आपकी जी जान से सेवा की है, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। मेरी आप सबसे अपील है, दोनों हाथ उठा के ऐसे कृष्णा को आशीर्वाद दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आप आशीर्वाद दीजिए, और भैया को भी आशीर्वाद देंगे। जोर से बोल के बताए देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे। तो मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा और मेरा मध्य प्रदेश बढ़े, क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं तो आपका भाई हूं, आपका सेवक हूं। आपकी सारी तकलीफें पी के आपकी जिंदगी को सुखी बनाने की कोशिश करेंगे, कोई कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे। आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुठ बांध के हम संकल्प लें कि हम भैया का साथ देंगे, प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे, कृष्णा जी को आशीर्वाद देंगे और भाजपा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।